हेलो एवरीवन इन दिस लेक्चर यू विल लर्न अबाउट द सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन द बैंकड रोड फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द बैंक रोड बैंक रोड का मीनिंग है कि अगर एक रोड का एक एज अगर हम रेस कर देते हैं किसी हाइट पर कंपेरेटिव टू अदर एज, देन सच टाइप ऑफ रोड इज़ कॉल्ड द बैंक रोड जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर शो करूँ तो दिस इज द रोड सपोज तो वन एज इज रेस्ड इस एज को हमने क्या किया है रेज कर दिया है देन द अदर एज ओके या अबाउ इट्स अ लोअर एज जिसको हम कह सकते हैं देन इट इज़ कॉल्ड द बैंकड रोड अब ये बैंक रोड भी कैसी है हमारे लिए सर्कुलर है सर्क्युलर मतलब कि इस तरह का देखो अगर मैं 3D में इसको शो करूं तो इस तरह का सर्कुलर टर्न ये लैली क्लियर तो ये कार जो है सपोज एक कार हम इस पर मोशन की बात करते हैं कार के तो ये कार जो है वो इस पाथ के अलोंग चल रही क्लियर ये हो गया एंगल ऑफ बैंकिंग है ना एक तो ये हो सिचुएशन एक ये सिचुएशन है तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये कार जो है वो इस सर्कुलर पाथ के अलोंग चल रही तो इस सर्कुलर पाथ के अलोंग जो मोशन होगा जिसमें इसको हम बैंक रोड कह रहे हैं वहाँ हम यहाँ वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डेराइव करेंगे कि वॉट विल बी द मैक्सिमम वेलॉसिटी दैट वी कैन यूज विदाउट वीयर एंड टीयर ऑफ द कार या एक सेफ टर्न अगर हमें लेना हो सर्कुलर टर्न तो उसके लिए मैक्सिमम वेलॉसिटी कितनी होनी चाहिए एंड वी विल शो दैट दिस मैक्सिमम वेलॉसिटी इन केस ऑफ द बैंक रोड इज मोर कंपैरेटिव टू द लेवल रोड सर्क्युलर टर्न तो उसे हम यहाँ पर दोनों को कंपेयर करेंगे इसीलिए कई जगह जहाँ सर्कुलर टर्न्स होते हैं वहाँ रोड को चलाकर बैंक किया जाता है ओके जिससे कि हम वेलोसिटी हाई रखते हुए भी सेफ टर्न को ले सकें सो so, अब इसको एक बार मैं वापस डिफाइन कर देता हूँ व्हेन द आउटर एज है ना इसको आउटर एज कह सकते हैं तो आउटर एज ऑफ अ कर्उड रोड इज रेस्ड अबाउ इट्स लोअर ऐज या इनर एज द रोड इज कॉल्ड द बैंक रोड ये आउटर एज हो गया ये इनर एज हो गया तो आउटर एज को हमने क्या किया है शिफ्ट uh, कर दिया है रेस कर दिया है अबाउ दिस लोअर एज सो दैट इट इज कॉल्ड द बैंक रोड और ये कॉर्ड रोड है क्लियर यहाँ पर ये मैंने एक सर्क्यूलर आर्क शो की है ठीक है दिस इज द सर्कुलर आर जिसका सेंटर जो है वो इस डायरेक्शन में है जब किसी इंस्टेंट पर जब कार जो टर्न ले रही है उस समय की हम बात करें उस इंस्टेंट की हम बात करें दिस इज द कार विच इज टेकिंग द सर्कुलर टर्न ऑन दिस बैंक रोड सो देर विल बी थ्री फोर्सेज ओके एक एक एंगल जो यहाँ पर ये बन रहा है बैंक रोड का इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग सो so, अब यहां पर देर विल बी थ्री फोर्सिस विच एक्ट विच विल एक्ट ऑन द कार द फर्स्ट वन इज द वेट ऑफ कार एंड वी नो वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ ओके सो द फर्स्ट वन एम जी जो लगेगा वो देखो यहां पर लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड सेकेंड नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है परपेंडिकुलर टू द इज इन कॉन्टेक्ट जो फोर्स लगता है जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं तो ये कॉन्टेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट होगा क्लियर सो दिस दिस इज़ द डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन द नॉर्मल रिएक्शन विल एक्ट और मैं इसको यहां पर एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं द थर्ड वन विच इज़ द फ्रिक्शन ठीक है जनरली जब हम लेवल रोड की बात करते हैं तो वहां फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो टूवर्ड्स द सेंटर लगता है और हमेशा हर सर्क्युलर मोशन के लिए हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सेंट्रपिटल फोर्स यहाँ पर फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है जब लेवल रोड की बात करें लेकिन यहाँ पर जो सेंट्रपिटल फोर्स होगा उसमें फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन दोनों का कंपोनेंट होंगे दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा या दोनों के पार्ट्स होंगे ओके okay. सो so, इस तरह की रोड के लिए अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा उसको समझना जब हम यहां सर्कुलर टर्न ले रहे हैं कुछ इस तरह की रोड है ना अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये कौनकेव शेप अपन इसको कह सकते हैं तो ये रोड है तो यहाँ पर जब हम टर्न लेंगे तो स्टेयरिंग जो होगी वो उस साइड में यानी एंटी क्लॉक वाइज स्टेयरिंग घुमाएंगे और कार की स्टेयरिंग एंटी क्लॉक वाइज घूम रही है तो उसका जो टायर है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा है ना टायर का जो मोशन होगा कार का वो किधर होगा ऊपर की तरफ और फ्रिक्शन जो होगा उसके अपोजिट लगेगा तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन कि इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा एक बार फिर समझना इस पॉइंट को कि फ्रिक्शन हम यहाँ इस डायरेक्शन के अलोंग क्यों ले रहे हैं क्योंकि ये रोड कुछ इस तरह की है यहाँ हम सर्कुलर टर्न ले रहे हैं तो जब हम टर्न लेंगे तो हम अपने कार की स्टेयरिंग को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज वाइज स्टेयरिंग घूमेगी तो उसका जो मोशन है टायर का रोड पर वो इस डायरेक्शन में रहेगा इस अबाउ डायरेक्शन में इस कॉन्टेक्ट फोर्स के यानी इन दोनों के सर्फिस के पैरलर तो टायर उस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन जो होगा दैट विल मूव इन या दैट विल एक्ट अलॉन्ग दिस डायरेक्शन जस्ट अपोज इट टू द मोशन ऑफ द टायर ऑन द रोड तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन तो ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन हो गई मैं यहां बना देता हूं इस एरो को एंड दिस फ्रिक्शन यहां भी हम मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात करेंगे तो एफ एस मैक्स जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन लेंगे क्योंकि जनरली हम जब डेरिवेशन करते हैं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को डील करते हैं बिकॉज इट इज़ द मैक्सिमम एप्लीकेबल फ्रिक्शन बाकी काइनेटिक फ्रिक्शन हुआ या स्टेटिक फ्रिक्शन हुआ इससे कम होता है तो हम मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है उसको डील करते हैं सो दिस इज़ एफ एस मैक्स जिसको मैंने एफ एस एम से लिखा है नाउ इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल विल ऑल्सो भी थीटा क्लियर ऑल्टरनेटिव एंगल्स होगा ये जेड बन रहा है एक तरह से यहां पर तो दे आर ऑल्टरनेटिव एंगल्स एंगल्स विल बी सेम वन मोर प्रॉपर्टी जो हम यहां यूज लेंगे अगर कोई भी दो डायरेक्शन में एंगल थीटा हो ठीक है अगर दो डायरेक्शन में एंगल थीटा है तो उनकी जस्ट परपेंडिक्युलर डायरेक्शन भी थीटा एंगल पर होती यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल सॉरी जस्ट परपेंडिकुलर टू एक ये वाली और एक ये वाली देखो ये इसके परपेंडिकुलर है ठीक है दिस वन इज परपेंडिकुलर टू दिस वन एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर टू दिस वन तो ये जो दोनों डायरेक्शन हैं इनके बीच में भी एंगल थीटा होगा ये हम बाय द जोमेट्री इसको प्रूव भी कर सकते हैं मैथमेटिकली ज्योमेट्री को यूज लेते हुए बट अभी हम इसको प्रूव नहीं करेंगे इट इज नॉट रिक्वायर्ड है सो डायरेक्टली वी आर राइटिंग दिस एंगल थीटा और नहीं जरूरत है लैंग्वेज में लिखने की कि दिस एंगल विल बी थीटा हाउ दिस एंगल विल बी थीटा बट मैं एक बार वापस बता देता हूँ अगर दो डायरेक्शन में एंगल थीटा हो तो उनकी जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होती हैं दिस एंड दिस ये भी कितने एंगल पर होंगी थीटा एंगल पर होगी ओके नाउ अब हमारे पास में सारे फोर्सेस आ गए सारे एंगल्स आ गए जो जो हमें यहाँ पर चाहिए थे इस थीटा को एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं ध्यान रखना नाउ हम इन सारे फोर्सेस को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में रिजॉल्व करेंगे कि कैसे हम इनको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं तो हमें कंपोनेंट फोर्सेस के लेने आते हैं तो हम अगर कंपोनेंट लें इनके तो क्या होगा देखो एन का जो कंपोनेंट होगा इधर इट विल बी एन कॉस थीटा इस डायरेक्शन में जो एन का कंपोनेंट होगा इट विल बी एन साइन थीटा सिंपल एन कॉस थीटा हेयर बिकॉज दीटा एंगल इज हेयर एन एन साइन थीटा विल बी हेयर सिमिलरली एफ एस मैक्स के भी कॉम्पोनेट लेते हैं इन दो डायरेक्शन में तो इट इज एफ एस मैक्स कॉस थीटा बिकॉज एंगल थीटा जो है वो यहाँ है और इधर क्या कॉम्पोनेंट आएगा इट विल बी एफ एस मैक्स साइन थीटा और एम जी तो ऑलरेडी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में Okay, Mg जो है वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑलरेडी है सो ऑल द फोर्सेस आर रिजॉल्व अलोंग दिस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अब इनका क्या करना है वो आगे हम चल के बात करते हैं एक बार इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो कंसीडरिंग मोशन ऑफ अ कार ऑन या सर्कुलर मोशन इसको हम कह सकते हैं सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन बैंक रोड एशोन ओन ओके पूरी डिटेल हम यहां पर मेंशन नहीं करेंगे जो हमने जैसा शो किया है डायग्राम में मेन फोर्सेस हम लिख लेते द थ्री फोर्सेस द थ्री फोर्सेस विल एक्ट ऑन इट कौन कौन से फोर्सेस हैं देखो फर्स्ट वन इज द वेट एम जो किधर लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है एरो बना रहा हूं मैं केवल आप चाहो तो लैंग्वेज में लिख सकते हो वर्टिकली डाउनवर्ड ओके देन सेकेंड वन इज द नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन इसको एम एन लेटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे और ये किधर लग रहा है परपेंडिकुलर टू सरफेसेज इन कॉन्टेक्ट ये दो सर्फेसिस यानी टायर और जो ये सर्फेस है रोड है इन दोनों का जो कॉन्टेक्ट है उसके परपेंडिकुलर होगा ये हमें बताया इसलिए हम इसको नॉर्मल बोलते हैं और नॉर्मल रिएक्शन होगा ये जो थर्ड वन है डायरेक्शन आर शोन इन द फिगर ओके थर्ड वन इज द फ्रिक्शन और इसको एफ एस मैक्स कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन हम इसको ले रहे हैं या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टेटिक फ्रिक्शन भी इसको कह सकते हैं सो so, वीनो अब देखो हमें क्या पता है फ्रिक्शन क्या होता है गिवन बाय इसको एफ एस मैक्स कैसे लिखते हैं म्यू एस टाइम्स ऑफ एन लिखते हैं है ना एफ एस मैक्स क्या होता है म्यू एस टाइम्स ऑफ एन लेकिन यहाँ एन एम जी नहीं होगा वो केवल लेवल रोड पर या हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जब बॉडी होती है तभी हम एन और एम जी को इक्वल करते हैं यहाँ एन को एम जी नहीं लिखते हैं क्लियर क्योंकि एन के अपोजिट जो है वो एम जी नहीं है एम जी इस डायरेक्शन में अपोजिट टू एन नहीं है दैट्स वाई कार विल नॉट मूव इन द वर्टिकल डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं होगा इसीलिए वर्टिकल फोर्सेज विल बैलेंस ईच अदर ओके तो हेयर एन कॉस थीटा और इस एम जी प्लस एफ एस मैक्स साइन थीटा इन दोनों को हमें क्या करना है बैलेंस करना है और बैलेंस करके एन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है हमारा पर्पज यहाँ पर क्या होगा इन फोर्सेस को बैलेंस करके एन की वैल्यू को कैलकुलेट करना जो कि नॉर्मल रिएक्शन है फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे इधर जो फोर्स लग रहा है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर आर्क ये जो सर्कुलर आर्क है इसके सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट विल गिव्स यू क्या देगा ये सेंट्रिपिटल फोर्स के इक्विवेलेंट होगा यानी इन दोनों फोर्सेस का जो सम है जो कंपोनेंट्स आए एन और एम जी के सॉरी एन और एफ एस मैक्स के इन कंपोनेंट्स के सम को हम यहाँ पर सेंट्रिपिटल फोर्स के बैलेंस करेंगे जो कि एम वी स्क्वायर बाई आर होगा ओके okay, और आर वहां रेडियस ऑफ द आर्क होगी एंड उससे हम वी मैक्स को कैलकुलेट करेंगे जो एन हमने यहां कैलकुलेट किया डेराइव किया उसकी वैल्यू हम उस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो दिस इज द प्रोसीजर हाउ टू डेराइव दिस वी मैक्स फॉर द बैंक रोड क्लियर यानी सर्कुलर मोशन ऑन द रोड सो अस टेक द वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंसिंग बैलेंसिंग वर्टिकल कंपोनेंट्स। अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट्स को बैलेंस करें तो क्या मिलेगा देखो एन कॉस थीटा इज़ थीटावल टू एम जी प्लस एफ एस मैक्स साइन थीटा ओके एफ एस मैक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन वन से जो अभी हमने लिखी है तो इट इज एम जी प्लस म्यू एस एन साइन थीटा ओके नाउ एन को हमें कैलकुलेट करना है तो इस एन वाली टर्म को इधर ले आते हैं ओके और एन कॉमन ले लेते हैं तो टेकिंग दिस टर्म लेफ्ट हैंड साइड एंड एन कॉमन भी ले रहा हूं मैं साथ साथ तो इट विल बी कॉज थीटा ये तो पॉजिटिव होगा क्योंकि ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में है और इसको जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी म्यू एज साइन थीटा ओके और उधर क्या रह जाएगा एम जी रह जाएगा तो यहां से अगर हम N को कैलकुलेट करें देन इट विल बी एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा ओके एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर टू तो प्रोसीजर ये है कि हमें इसमें बैलेंस करने हैं वर्टिकल फोर्सेस को और N को कैलकुलेट करना है द फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस स्मॉल आर्क विल बी द Required centripetal force for the circular motion. So that line we will write here. Okay, now the force is acting towards center of circular arc of radius small r. ल प्रोवाइड द सेंट्रिपिटल फोर्स क्योंकि हर सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है ओके okay? तो वो सेंट्रिपिटल फोर्स यहाँ कौन प्रोवाइड करेगा ये जो टूवर्स द सेंटर टोटल फोर्सेस लग रहे हैं क्लियर एक्टिंग टूवर्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर सो दैट इज एम वी एक्स वी स्क्वायर बाई आर ओके okay, इसको हम क्या लिख सकते हैं एम बी स्क्वायर बाई आर विल बी इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा एन साइन थीटा प्लस एफ एस मैक्स कॉस थीटा एफ एस मैक्स कॉस थीटा यहाँ भी हम इस एफ एस मैक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं और फिर एन कॉमन लेके उस एन को सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ ओके okay? इस डायरेक्शन में यहाँ स्प्लिट की है मैंने इसको तो एम वी स्क्वायर बाई आर विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एन साइन थीटा एज इट इज एन साइन थीटा एज इट इज एफ एस मैक्स इज वॉट इट इज म्यू एस एन फ्रॉम इक्वेशन वन तो इट इज मू एस एन एन थीटा एज इट इज सो दिस इज द थीटा नाउ एन को हम यहां कॉमन ले लेते हैं और ये एन रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन टू से यहां पर तो वॉट विल वी गेट एन इट इज साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, ओके वेरी इजी बस प्रोसीजर ध्यान रहे तो हम बहुत आराम से इस डेरिवेशन को कर सकते हैं नाउ एन की वैल्यू पुट करते हैं यहां पर तो एम वी स्क्वायर बाई आर ये स्मॉल आर ध्यान रखना रेडियस है उस सर्कुलर आर्क की तो इट विल बी इक्वल्स टू एन इज वॉट एम जी तो एम जी यहां आ जाएगा और ये जो टर्म है ये मैं ब्रैकेट में ही शिफ्ट कर देता हूं तो क्या आएगा इट विल बी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इट इज कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा सो दिस इज द टर्म नाउ एम से देखो एम कैंसिल हो गया यानी ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है इसको भी वी मैक्स कह सकते हैं क्लियर इसको हम वी मैक्स भी लिख सकते थे चलो मैं वी मैक्स कर देता हूँ एम फॉर मैक्स मैक्म वेलॉस फ्रिक्शन हमने मैक्सिमम लिया है तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो मास ऑफ द कार पर डिपेंड नहीं करेगी ये एम क्या था एम कार का मास था ओके okay? जिसका वेट एम जी अपन ने लिया था सो so, इस आर को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे अब देखो एक एक्सप्रेशन तो यही आ जाता है लेकिन इसको थोड़ा सा याद रखना कंफ्यूजिंग है साइन थीटा कॉस थीटा इधर उधर रिप्लेस ना हो जाए वैसे तो ये भी एक एक्सप्रेशन है मैक्सिम का जिसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके लिख सकते हैं लेकिन हम इसको क्या करते हैं एक इजी वे में ताकि हम इसको याद रख सकें ताकि हम इसको अप्लाई कर सकें किसी न्यूमेरिकल में तो उसके लिए हम इसको टेन थीटा की टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो कैसे कन्वर्जन होगा इस सारी टर्म्स को ये जो फ़ोर टर्म्स अपने को दिख रही है दो न्यूमरेटर में दो डिनॉमरेटर में इन सब को हम कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं और ऐसा करने से उस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्लियर तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं देखो यहां पर मैं कॉस थीटा से डिवाइड किया यहां भी कॉस थीटा से डिवाइड किया क्लियर इस इसको भी कॉस् थीटा से डिवाइड किया और इसको भी मैंने कॉस् थीटा से तो चारों जगह यानी चारों प्लेसेस जो है वहां हम कॉस् थीटा से इस तरह से डिवाइड कर देते उससे होगा क्या ये टेन थीटा की टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको याद रखना एक्सप्रेशन को हमारे लिए कम्पेरेटिवली ईजी है सो थीटा टा थीटा विल कैंसिल आउट एंड हियर आल्सो कॉस्ट थीटा थीटा विल कैंसिल आउट रहेगा क्या देखो ये टेन थीटा और वो भी टेन थीटा बन गया तो जो फाइनल एक्सप्रेशन यहां पर मिलेगा जो वी मैक्स का है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ये आर इधर आ गया तो इट इज आर जी ओके स्क्वायर रूट ऑफ आर जी एंड म्यू एस प्लस या टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन वन माइनस म्यू एस टेन थीटा सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी विच वी कैन प्रोवाइड टू द वहीकल फॉर द सेफ टर्न ऑन द सर्क्यूलर बैंक रोड ओके तो ये आर जी अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपन वन माइनस म्यू एस टेन थीटा ये क्या है वन माइनस म्यू एस टेन थीटा सो दिस इज़ द डेरिवेशन फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द कार और मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ कार ऑन द बैंक रोड अब इसके हम दो स्पेशल केसेस करेंगे कि अगर यहाँ पर टेन थीटा यानी कि थीटा ज़ीरो हो जाए लेवल रोड की अगर हम बात करें तो क्या होगा उसका एक्सप्रेशन और अगर हम कंसिडर कर लें कि वहाँ फ्रिक्शन नहीं है तो म्यू एस को अगर हम जीरो मान लें तो वहाँ पर ये Z max कितना होगा और फिर हम उस पर कुछ कमेंट करेंगे तो एक बार यहां तक नोट कर लो नाउ वी डिस्कस द टू केसेस फॉर द गिवन एक्सप्रेशन फर्स्ट केस लेते हैं केस फर्स्ट वैन थीटा इज जीरो यानी लेवल कैसी रोड कैसी होगी लेवल्ड रोड हो गई इसको हम क्या बोलेंगे लेवल्ड रोड और लेवल रोड यानी बैंक नहीं रहा थीटा जो एंगल है एंगल ऑफ बैंकिंग वो नहीं वो जीरो हो गया तो उस सिचुएशन में टेन थीटा क्या हो जाएगा दैट इज ऑल्सो जीरो और वी मैक्स की वैल्यू लेवल रोड पर इसको मैं एल लिख रहा हूँ एल फॉर द लेवल रोड और वो कितनी आ जाएगी इट इज सिंपली अंडर रूट आर जी देखो जीरो हो गया ये तो टर्म ये भी टर्म पूरी जीरो हो गई ओनली म्यू एस तो ये हमें इस तरह से एक एक्सप्रेशन मिलता है और हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हैंस वी मैक्स की जो बैंक रोड पर वैल्यू होती है वो वी मैक्स फॉर लेवल रोड से ज़्यादा होती है। अगर हम इसमें 10 थीटा की वैल्यू पुट करके सॉल्व करें फॉर द सेम वैल्यू ऑफ म्यू एस एंड आर जी ओके okay, तो इसमें अगर वैल्यू पोट करोगे तो यू विल गेट मोर वैल्यू इन दिस बैंक रोड इसको भी मैं बी यहाँ सब सुपर स्ट्रिप में लिख देता हूँ बी फॉर बैंक तो बैंकड रोड जो है उसमें वेलोसिटी मैक्सिमम ज़्यादा होती है यानी कि हम जहाँ सर्कुलर टर्न लेना होता है वहाँ चला कर रोड को बैंकड करते हैं जिससे कि वो सेफ टर्न ले सकते वे, वे, ले सके विद मे मोर वेलोसिटी यानी ज़्यादा वेलोसिटी से ओके okay, तो ये भी एक पॉइंट यहां पर ध्यान रखना देन सेकेंड केस हम करते हैं कर लेते हैं वैसे प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल बट हम रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को तो एक कंडीशन है थियोटिकली जो हम बता सकते हैं कि अगर म्यू एस जीरो है तो उस उस सिचुएशन में बैंक रोड के लिए लिख रहा हूं मैं इसको क्योंकि लेवल रोड पे तो वो पूरा ही जीरो हो जाएगा अगर यहीं पे जीरो कर दिया तो वेलोसिटी होगी नहीं जीरो वेलोसिटी पे भी वो हम कह सकते हैं जीरो वेलोसिटी विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी क्लियर तो दैट विल विल नॉट डिस्कस ओनली ऑन द बैंक रोड वी आर कंसीडरिंग दैट म्यू एस इज जीरो देन व्हाट विल हैपन दिस वी मैक्स विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा तो ये हमारे पास में वी बी बैंक रोड के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी कब मिलती है जब वहां पर म्यू एस की वैल्यू जीरो हो यानी फ्रिक्शन नहीं हो तो फ्रिक्शन की में जो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी वो आर जी टेन थीटा के एक होगी ओके सो दीज आर द टू केसेस एंड दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन द बैंक रोड एंड दिस वन इज फॉर द लेबल रोड सो नोट डाउन दिस वन